हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मनस मॉम ऑफिशियल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं यहाँ पे आज रेड सॉस पास्ता बना रही हूँ। ये अभी मतलब शाम का टाइम है, तो मैं रेड सॉस पास्ता को दिखाती हूँ कैसा लुक है। बट प्रॉपर रेसिपी तो आपको शेयर नहीं कर रही हूँ। दिखाओ बेटा कैसा है, ये दिखाओ। ये आपका रेड सॉस पास्ता का ग्रेवी है जो मैं फ्राई कर रही हूँ, और यहाँ पे पास्ता बॉयल करके रखी हूँ। अब मैं इसमें ये पास्ता को ऐड कर दूँगी। देखिए यह है आपका रेड सॉस पास्ता बिल्कुल रेडी हो गया। मामा यहाँ कौन सी चटनी है? ऑरिगेनो ऐड कर रहे हैं। अच्छी लगता है ऑरिगेनो से। कौन सा कंपनी का ऑरिगेनो था? कंपनी तो नहीं पता बेटा, वो कैच था। हाँ सॉरी। अच्छा लग रहा है ना बेटा, टेस्ट करके बताना ठीक है बेटा कैसा लग रहा है। स्मेल भी बहुत अच्छा है। मैं अभी एक टाइम पे क्या बता रही हूँ, चाय। चाय, यस बेटा। तो कैसे पता चला तुम बुलाते हैं चाय बिठा रही मम्मा? नहीं पता। हाँ नहीं पता, अभी तुम अपने अपने से पता चल गया। अपने से कि मम्मा पास्ता बनाएगी तो चाय बनाएगी ना। हाँ। और आज क्या क्या पास्ता क्या बनाई हूँ मैं डिनर में, दिखा दूंगी फिर आपको। ये यहाँ पे ये आलू दम मटर पनीर। मटर वो एडवांस पता है तुमको? मटर पनीर और सेवई। सेवई इसमें नहीं है बेटा, सेवई मैं दिखाते हैं। सेवई आलू भिंडी का भुजिया आलू भिंडी का भुजिया, लौकी की सब्जी और सेवई मैं बाद में लिखाऊंगी। राइस मम्मा। मॉर्निंग गाइस, आज से दोनों मेरा बच्चा लोग का स्कूल है। और बाबू स्कूल जाना है ना? हाँ गुड बॉय है ना मेरा बच्चा, स्कूल तो जाएगा ही। तो दीदी भी रेडी हो गई है और यहाँ पे इसके पापा इसको सॉक्स पहना रहे हैं और रेडी हो चुका है। रेडी यही किए बाबू स्कूल जा क्या करेगा बेटा? देखो क्या करेगा, सुना इधर नहीं, क्या करेगा स्कूल जाके? अभी बना नहीं है, क्या करेगा बेटा? बड़ा बच्चा नहीं बताएगा क्या करेगा स्कूल जाके, क्या पढ़ेगा? घूमने पड़ेगा मेरा बच्चा, स्कूल घूमने पढ़ने जाएगा ना बेटा। सोना पानी पिए ना बेटा, ये पानी पियो। हाँ पानी पियो नहीं बेटा थोड़ा। अच्छा मामा पिला देगी पापा पिला। क्या एक्टिंग कर रही हो, जल्दी लेट हो जाएगा ना तो स्कूल का। मैं पराठा भी नहीं खाई, वैसे पड़ा हुआ है प्लेट में रहते हैं पराठा। लेट हो जाएगा फिर पापा गुस्सा होंगे, फिर बस आ जाएगा। जल्दी करो। चलो को स्कूल भेजने के बाद यहाँ पे भुट्टा हम लोग लेके आए थे खरीद के, तो यहाँ पे हम सबको मिल के भुट्टा छुड़ा के सेक रहे थे हम लोग, और बहुत मजा आ रहा था। मीठा बा कच्चा बा? वो कच्चा नहीं है। अच्छा सेक रहे हैं, बहुत अच्छा सेक रहे हैं। हाँ आपको पसंद है मकई? बहुत इसलिए मन से सेक रहे हैं ना आप? क्या खोज रहे हैं? आज कुछ नहीं, आलू पराठा बनेगा, अभी रेडी हुआ है, बना नहीं आलू पराठा बाकी है। ये जल मत जाए आपका ये भुट्टा। Thank you.
दोनों इसके ऐसे भी चढ़ा दें हम ऐसे हो गया कोनो काम बोला है हाँ ऐसे कुछ कुछ बोला चला तो लग बिगड़ दोला तो क्या हुआ आपका हाथ जल रहा है क्या अब भैया जल जाएगा चाकू में से घुसा के उसके पीछे में अरे यो हाँ बाबू को हेयर कटिंग कराने बहुत बड़ा हो गया ना फिर ट्यूजडे हो जाएगा फिर नहीं करवा पाएंगे ना इसी जगह आप करवा के आते हैं उसके बाद इवनिंग वॉक चलते हैं आपके साथ ठीक है जाओ तो जल्दी कटवाओ हाँ जा रहे ट्यूशन पास लो और जल्दी निकलते हैं ठीक है कहाँ जा रहा है मेरे को छोड़ दे मेरा बच्चा हेयर कटिंग तू किसी देखे जाओ देखो चाची क्या बोल रही है सुनो जाएगी बोल रही थी बोला बोले हम भी जाएंगे कहाँ बोले थे हम भी चलेंगे क्या नहीं तुम बोले नहीं चलेंगे तो वही खोजने गया था रुको मैं आ रही हूँ तुम बोले नहीं चलेंगे चलो चाची आ गए चलो चाची आ गए दादी के लेके चलोगे मेरा भी हेयर कटिंग करवा देना मेरा क्या कराएगा आईब्रो आईब्रो दादी का आईब्रो होगा हाँ हेयर कटिंग होगा हाँ हाँ होगा फेशियल होगा दादी को फेशियल है क्या ना दादी को फेशियल होगा हाँ चलो जाओ इसका फिर आपका फिर पीछे आ रहा है इसके बाद आप प्रोसेस में लगिएगा कौन सी प्रोसेस में हाँ तो इसका लगता है हाथ में प्रोफेशन है हाँ होगा खेल दे हाँ छोड़ो बेटा हाथ छोड़ो चलते आ रही है हाथ छोड़ो बेटा हाथ छोड़ो चलते सो ना अब चाची पीछे से आ रही है चाची आ रही है पीछे से मामा भी इतनी आपकी जाना ना बेटा लेट हो जाएगा फिर पापा गुस्सा होंगे मामा पे लेट होगा तो पापा गुस्सा की बात नहीं करेंगे कौन गुस्सा ना मैं बोला हाँ हाँ देखो चाची भी आ गई आ गई क्या सेंट नहीं है वो पानी है पानी दो नहीं पानी नहीं अभी बैठी हूँ मैं मामा का घर घर चले जाएंगे और ये पार्लर मतलब हम लोग का जान पहचान का है ये भैया हम लोग भैया को हम लोग जानते हैं मतलब मेरे हस्बैंड यहाँ पे 15 साल से मतलब बनवा रहे हैं भैया से और बाबू को यहीं पे लेके आते हैं बिकॉज उनका हेयर स्टाइल सेंट नहीं हेयर कटिंग स्टाइल बहुत अच्छा है सेंट नहीं सेंट नहीं मतलब बाबू को देखिए बहुत ज़्यादा बना सकते हैं बेटा बूढ़ा सा पापा ना बैठ है बेटा पापा अभी गुस्सा होंगे चले 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 बैठो चले बैठो बैड बॉय बोल देंगे ठीक है जाइए हाँ चले जाइए हम भी चलते हैं मम्मा चली जाएगी सोच लेना हिलाओ मत हिलना मत बिल्कुल बाबू गुड बॉय है ना नहीं हिलता है नहीं अभी हिलने से यहाँ पुलिस का गाड़ी भी खड़ा है ओ ऐसा बात मत हिलना बेटा आ रहा है पूरा ही आ रहा है इधर से यहाँ पे सीधा सीधा गर्दन सीधा नहीं कुछ वो ये तीन है बेटा कुछ नहीं हो रहा है आपसे बात कर लेते हैं मामा गर्दन नाम के लिए ऐसे बाबू
बाबू मन्नत सेंट पता है, अभी तुम हेयर कटिंग करो ठीक है, उसके बाद वो बूढ़ा आएगा ना तो उसको उसको लगा देना तुम सेंट लेके ठीक है। और उसका मतलब वो क्या कर रहा था ना कि हेयर कटिंग हो रहा था तो वो मुंह पे बार बार अपने हाथ से फैला रहा था, उसका आईज को क्लोज किया गया। देखो सुनो हाथ हटाओ, वाह 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 बहुत सुंदर। अब उठूंगा मैं। नहीं उठना नहीं, उठने का टाइम नहीं, अभी अंदर साफ करेंगे। गाइस हम लोग आ गए बाबू का हेयर कटिंग करा के, और इस बार हेयर कटिंग थोड़ा डिफरेंट टाइप से हुआ है। ये कितना बदमाशी करा था वो तो आप लोग देखे, और इवनिंग वॉक से भी मैं आ गई और डिनर भी रात का हो गया। सो गाइस मैं ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ, कल मिलती हूँ न्यू ब्लॉग के साथ। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। बाय, गुड नाइट।